जहां एक ओर कोरोना महामारी पैर पसार रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार के भरण पोषण के लिए बाजार हाट में सामान खरीदने आते हैं। वहीं कई जेब कतरे छोटे छोटे बच्चों से लगाकर बड़े बड़े व्यक्तियों तक ग्रुप बनाकर आम जनता को भीड़ वाले इलाकों में अपना शिकार बनाकर जेब काट कर लाखों रुपए का चुना लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को बरूड़ हाट बाजार में देखने को मिला, जहाँ एक परिवार भगोरिया पर्व की खरीदारी करने आया था। परिवार की महिला के 4,000 रुपए जेब कतरों ने चुरा लिए। अब महिला बेचारी जाए तो कहाँ जाए और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे, ऐसी घटनाएं बाजारों में आम हो गई हैं। परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा जेब कतरों पर लगाम नहीं कसना कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। भरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। मिर्ची वाला पास से आई यहाँ खरीदने लगी तो अनजाने से ले गया छोटा छोटा थैली से उठा ले गया। 4,000 था और कोई सामान था आपका? आधार और सब बिल सब वगैरह वहाँ से। क्या नाम है आपका? गंगा भाई। कहाँ रहते हो? दसनपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।